78वां स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आजादी के त्योहार में शामिल होने वाले सभी देशवासी हमारा परिवार हैं। राष्ट्रपति ने कहा, आजादी का यह पर्व हमें उन दिनों की याद दिलाता है जब देश के लिए कई लोगों ने बलिदान दिया। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने हमें नई अभिव्यक्ति प्रदान की। सरदार पटेल, बोस, भगत सिंह, बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे अन्य कई लोग जिन्होंने बलिदान की सराहना होती रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सभी देशवासी 78वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लहराते हुए तिरंगे को देखना, चाहे वो लाल किले पर हो, राज्य की राजधानियों में हो या हमारे आसपास हो, हमारे हृदय को उत्साह से भर देता है। ये उत्सव 140 करोड़ से अधिक देशवासियों के साथ अपने इस महान देश का हिस्सा होने की हमारी खुशी को अभिव्यक्त करता है। जिस तरह हम अपने परिवार के साथ विभिन्न त्यौहार मनाते हैं, उसी तरह हम अपने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को भी अपने उस परिवार के साथ मनाते हैं जिसके सदस्य हमारे सभी देशवासी हैं। 15 अगस्त के दिन देश विदेश में सभी भारतीय ध्वजारोहण समारोह में भाग लेते हैं, देशभक्ति के गीत गाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। जब हम बच्चों को अपने महान राष्ट्र तथा भारतीय होने के गौरव के बारे में बातें करते हुए सुनते हैं, तो उनके उद्गारों में हमें महान स्वतंत्रता सेनानियों की भावनाओं की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। हमें ये अनुभव होता है कि हम उस परंपरा का हिस्सा है जो स्वाधीनता सेनानियों के सपनों और उन भावी पीढ़ियों की आकांक्षाओं को एक कड़ी में पिरोते हैं, जो आने वाले वर्षों में हमारे राष्ट्र को अपना संपूर्ण गौरव पुनः प्राप्त करते हुए देखेंगे। ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था जिसमें सभी समुदायों ने भाग लिया। आदिवासियों में तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, लक्ष्मण नायक और फूलो जानो जैसे कई अन्य लोग थे जिनके बलिदान की आप सराहना हो रही है। हमने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। अगले वर्ष उनकी 150वीं जयंती का उत्सव राष्ट्रीय पुनर्जागरण में उनके योगदान को और अधिक गहराई से सम्मान देने का अवसर होगा। मेरे प्यारे देशवासियों,